कोरोना काल में जनता मजबूर है क्योंकि शासन प्रशासन और अस्पताल में सुविधाओं की कमी है। मरीज अस्पताल के अंदर इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं और तीमारदार बाहर अपनों के लिए इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अपनों को खो देने का डर और उस डर से बाहर निकलने के लिए शासन प्रशासन के आगे हाथ जोड़ती एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ। बच्ची इंदौर की है मगर हालात यहाँ पर बेहद खराब नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज पापा को हेल्प करो। कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी। देश भर के अस्पतालों से अव्यवस्था की तस्वीरें आई। कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर की कमी, तो कहीं रेमडेसिविर के लिए डॉक्टरों के पैर छूते मरीजों के तीमारदारों की तस्वीरें और शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए लगती भीड़ की तस्वीरें, तो कहीं शवों के लिए लकड़ियां भी ना मिलने के कारण शवों को रेत में दबाने की तस्वीरें, शवों को पानी में बहाने की तस्वीरें, ये सब दूसरी लहर का ही कहर था। अब बेशक देश में कोरोना के नए संक्रमितों में कमी आई है लेकिन दर्द अब भी कम नहीं है, अस्पतालों में अव्यवस्था अब भी कम नहीं है, मरीज अब भी अस्पताल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और बाहर तीमारदार शासन प्रशासन के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि उनके अपनों को बचा ले। दर्द की एक ऐसी ही तस्वीर इंदौर से आई है जहां एक बेटी अपने पापा की जिंदगी बचाने के लिए उनके मामा यानी सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रार्थना कर रही है कि उनके पापा को बचा लें, क्योंकि उनके पापा को जो इंजेक्शन लगने हैं वो अस्पताल के पास नहीं है। बच्ची ने अस्पताल ही नहीं बल्कि स्थानीय एसडीएम तक से मदद की गुहार लगाई लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ और अब वो अपने मामा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रार्थना कर रही है। मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है, वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है सर। उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था जिसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। आपको बता दें कि ये वीडियो इंदौर के अपोलो अस्पताल की बाहर की है। इस बच्ची के पापा अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें पहले कोरोना हुआ और उसके बाद ब्लैक फंगस, जिसकी वजह से उनकी आंख और जबड़ा भी निकालना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अब कह रहे हैं कि इसके आगे के इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, डीएम सर से करी, डीआई से करी, एसडीएम से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैंने लगभग मैं एक हफ्ते से लगी हूँ सर, मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। मजबूर बच्ची जब हर तरफ से हार गई तो उसने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से अपने पिता के लिए इंजेक्शन मुहैया करवाने की गुजारिश की। माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी है, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज सर मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा वरना और कंडीशन खराब हो जाएगा। प्लीज सर प्लीज मदद कीजिए। महामारी के दौर में बेशक ये एक अकेला वीडियो नहीं है जो आम जनता की मजबूरी को बयां कर रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक शासन प्रशासन की अव्यवस्था का शिकार आम जनता बनती रहेगी।
आखिर कब तक जनता यूं तिल तिल मरने को मजबूर रहेगी। मौजूदा वक्त में तो कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट आने लगी है, तो फिर अस्पतालों में हालात क्यों नहीं सुधर पा रहे? क्यों लोग अभी भी इंजेक्शन के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं? ये सीधे सवाल शासन और प्रशासन में बैठे जनसेवकों से हैं, जिनके जवाब आज हर आम आदमी जानना चाहता है। स्पेशल डेस्क, खबरें बीता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।